ऑलराइट, वेलकम बैक। अब हम करेंगे टाइम जोन कंपेयर कमांड। हमने लास्ट की थी टाइम कंपेयर कमांड, जिसमें हम दो टाइम्स को कंपेयर कर रहे थे, सेट टाइम एंड रियल टाइम। अब इसमें आ गया हमारा टाइम जोन। हम एक जोन को कंपेयर करेंगे, तो इसमें हम दो टाइम डालेंगे, ओके, एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड। अब ये कमांड कैसे ऑपरेट करेगी? सपोज हमने यहाँ पे कंडीशन दी, लेट्स से M1000। अब S1 हो गया आपका लोअर बाउंड, ओके। इसमें मैं एक टाइम डालूंगा, लेट्स से वो टाइम मेरा D10 से शुरू हो रहा है, और ये हो गया अपर बाउंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर बाउंड, मैं बताऊँगा इसका मतलब क्या है अपर बाउंड। तो ये हो गया सपोज D13, और ये हो गया हमारा रियल टाइम, ओके। तो लेट्स से इट्स D4, और रिजल्ट हमारा आएगा अगेन Y0 में। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट से लिख दिया D10। अब D10 क्या है? D10 में आता है आपके आवर्स, सिमिलर, बट ये आपका आता है लोअर बाउंड में आवर्स। D11 में मिनट्स, एंड D12 में सेकेंड्स, ओके। ये आपको पता है, अगर हम यहाँ पे टाइम देते हैं तो ऑटोमेटिकली मिनट सेकेंड ऑटोमेटिकली ले लेता है। D13 क्या है? सेम चीज है, एंड D14 मिनट्स है, D15 सेकेंड्स है, बट ये हो गया आपका अपर बाउंड। तो दो टाइम हम एंटर करेंगे। D4 आपको पता है, D4 हमारा रियल टाइम है, रियल टाइम आवर्स, एंड D5 सिमिलरली रियल टाइम मिनट्स, एंड D6 सिमिलरली रियल टाइम सेकेंड्स, ओके। तो ये हमारे तीन तरह के तीन टाइम हो गए, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और रियल टाइम। Y0 में बताया Y0 कंपेरिजन रिजल्ट आएगा, Y1 में आएगा, Y2 में आएगा, ओके। अब कंपेरिजन होगा कैसे? हमारा टाइम कंपेयर होगा रियल टाइम, रियल टाइम कंपेयर होगा जो किसके अंदर है? D4 के अंदर। D4, D5 एंड D6, दोबारा लिख रहा हूँ, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। ये कंपेयर होगा बाउंड में। अब जैसे कि लोअर बाउंड में है हमारे पास D10, D11, D12, एंड अपर बाउंड है D13, D14, D15। तो ये हमारा एक जोन है, मैं इसको ब्लॉक में ले लेता हूँ। अगर तो ये आपका टाइम रियल टाइम जोन से कम है, ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ रियल टाइम इज लेस देन जोन। फॉर एग्जाम्पल, रियल टाइम में हमारे पास टाइम है, यहाँ सबसे पहले मैं जोन में डालता हूँ, जोन में टाइम है हमारे पास 3 PM, लोअर बाउंड में डाला हमने, अपर बाउंड में 4 PM, ओके। अगर रियल टाइम आपका 2 PM है, ये जोन से कम है, 3 to 4 PM के जोन से कम है, इस केस में Y0 ऑन हो जाएगी कि आपका टाइम जोन से कम है, जोन तक पहुंचा ही नहीं है, लोअर बाउंड से कम है, ओके। सेकेंड केस आता है, अगर आपका रियल टाइम इज इन द जोन, इन दैट केस इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर पार्ट, दिस रियल टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर पार्ट एंड लेस देन इक्वल टू अपर पार्ट। तो उस केस में मैं यहां लिख देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपका लोअर बाउंड रियल टाइम, लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। इस केस में आपकी Y1 ऑन होगी, ओके, सेकेंड आउटपुट। थर्ड कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, अगर रियल टाइम ग्रेटर देन जोन और ग्रेटर देन अपर बाउंड, यहां पर भी लेस देन जोन और लेस देन लोअर बाउंड, इन दिस केस Y2 विल बी ऑन, ठीक है। तो तीन केस बन गए, अगर आपका रियल टाइम जोन से कम है, जोन के अंदर है या जोन के बाहर है। तो जोन के अंदर क्या टाइम होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया था 2 PM, अगर 2 PM है तो Y0 ऑन होगी, जोन 3 से 4 PM का है। अगर यहाँ पे 2:30 PM है, दिस इज सेकेंड केस एग्जाम्पल, और थर्ड केस एग्जाम्पल में, ओ सॉरी नॉट 2:30, 3:30, बिकॉज जोन इज 3 to 4, 3:30 PM है तो Y1 ऑन होगी, और अगर 4 PM या 4 PM से ज़्यादा है
तो वाई टू ऑन होगी। तीन केसेस बन गए। अब इसको हम ट्राई करते हैं पीएलसी में। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लॉजिक बनाया हुआ है, टी जेड जी पी, और डी टेन में टाइम है लोअर पार्ट, डी थर्टीन में अपर पार्ट, ये रियल टाइम और ये आउटपुट है। ओके अब मैं आपको स्केच में स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ से पहले मैं ये दिखाता हूँ लोअर बाउंड का जो आवर का है डी टेन है, मेनट इज डी इलेवन एंड सेकेंड इज डी ट्वेल्व। ओके डी टेन इलेवन ट्वेल्व वो हमने यहाँ दे दिए, डी टेन इलेवन ट्वेल्व ऑटोमेटिकली लेगा। डी थर्टीन है हमारा अपर बाउंड आवर्स, सो ये देखो यहाँ पे डी थर्टीन है। ओके और 14, 15 ऑटोमेटिक ले लेगा। इसको ऑनलाइन सिमुलेशन पे जाते हैं और मैं वही टाइम डालता हूँ जो मैंने आपको टैबलेट में बताया। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ लोअर बाउंड 15, लेट्स मेक इट 0, 0, सेकेंड 0, 0, दिस बी 16, 3 से 4 बजे का टाइम 0, 0। तो अभी देखो टाइम के अभी है 2:43, ठीक है 2:43, और ये टाइम लोअर बाउंड से कम है, 3 से 4 बजे का बाउंड लगाया हुआ है और टाइम में अभी 2 बज रहे हैं, 2:45 बज रहे हैं, तो Y0 ऑन है बिकॉज ये टाइम लोअर बाउंड से कम है। अब अगर मैं ये रेंज बना देता हूँ 1 से 2 बजे की, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं डालता हूँ सबसे पहले यहाँ पे डालता हूँ 1 बजे का टाइम, ऐसे ही देख लो 1 से 4 बजे का टाइम डाला है और बज रहे हैं 2:45, तो ये जोन के अंदर आ गया इसलिए Y1 ऑन होगी। ओके आपका जो रियल टाइम है वो जोन के अंदर है तो Y1 ऑन होगी। अगर रियल टाइम अपर बाउंड से ज़्यादा है तो Y2 ऑन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अब मैं 2 बजा देता हूँ, अपर बाउंड 2 बजे है, ये टाइम इससे ज़्यादा हुआ तो Y2 ऑन होगी। ठीक है अगेन ये टाइम ज़्यादा है तो Y2 ऑन, अगर ये टाइम इसके बीच में है देखो 14, 13, 15 के बीच में है तो Y1 ऑन, अगर ये टाइम लोअर बाउंड से भी कम है तो Y0 ऑन। तो मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 14:50, तो ये टाइम इससे भी कम हो गया तो Y0 ऑन होगी। ठीक है तो तीन केसेस थे हमारे टाइम जोन कंपेयर, और इसमें आप एप्लीकेशन क्या हो सकती है, आपको कोई चीज़ कुछ घंटे के लिए कुछ मिनट्स के लिए ऑन करनी है तो आप यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड डाल दो और रियल टाइम के साथ कंपेयर कर लो, तो आपकी जो मोटर है या कोई सोलेनोइड है या कोई फिलिंग हो रही है, ड्रेनिंग हो रही है, कितने बजे शुरू होनी चाहिए, कितने बजे तक होनी चाहिए वो आप दिखा सकते हो। हो बिल्डिंग ऑटोमेशन में अगर आप एसीज ऑन करते हो दिन में 6 घंटे या 7 घंटे तो उसका आप टाइमिंग यहाँ डाल सकते हो, विंटर्स में टाइमिंग आप अलग डाल सकते हो, समर्स में अलग डाल सकते हो, तो इससे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो सकती है। ऑलराइट सो ये था रियल टाइम क्लॉक का टाइम जोन कंपेयर कमांड। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।